Thanks. What I'm waiting for job. You have to in the dressing room. By the way, boys, Dwight took 4 catches and wants a pat on the back. मुझे पता है कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, पर अगर रिकी पॉन्टिंग जैसे जैसे ऐसे वो प्लेयर थे कि मेंटली बहुत ज़्यादा टफ थे, तो और वो एटीट्यूड के साथ जो खेलते थे, तो मैं उनके साथ उस बारे में काफ़ी बात करता था। तो वो बस वैसे ही बहुत एक ड्रेसिंग रूम में वो मजाक वाला काम हुआ था, हमारी टीम मीटिंग खत्म हुई थी, उसके बाद मैंने जाके उन्हें ऐसी मजाक में बोला था, क्योंकि हम ऐसे ही मजाक करते रहते थे, तो वो मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है। और वो इतना ज़्यादा उससे पहले कभी नहीं दिखाया गया, मेरी उस इनिंग के बाद वो चीज़ें स्टार्ट हुई, तो वो एक मजाक था, वो कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी हक के लिए या फिर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक छोटा सा मजाक था। वो इनिंग ऐसी थी कि उसकी वजह से ही लोग ज़्यादा जानने लग गए हैं, पर मैं कभी उस चीज़ को ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जो हो गया वो पास्ट में था, अभी जो चीज़ आगे करनी है, जो मेरे गोल्स हैं, उस चीज़ का जो प्रोसेस है मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, जो आगे मैंने गोल्स बनाए हुए हैं अपने, तो मैं उन चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ रादर दैन कि उस इनिंग को सोच के। वो तो हो चुकी है, अब उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो IPL आ रहा है, IPL के बारे में मैं सोच रहा हूँ, अभी तो मैं अपनी जो प्रिपरेशन है मैं वो स्टार्ट ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं IPL के लिए, कि जो चीज़ मैं मेरी जो मुझे लगा लास्ट ईयर IPL में मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। मतलब एज अ क्रिकेटर आप हर दिन हर प्रैक्टिस सेशन में जाते हो तो यही सोचते हो कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करो, इस सेशन से क्या चीज़ आप अपनी इस सेशन में क्या इम्प्रूव करके जा सकते हो, तो मैं वही जब भी प्रैक्टिस में जाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मैं इस सेशन में क्या इम्प्रूव करके जाऊँगा। जैसा मेरा 2020 ईयर वाला IPL गया था तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी टीम की भी, और कहीं ना कहीं कि मेरा जैसा वो ईयर गया था तो मेरे को अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग गई थी, क्योंकि वैसा काम जो वो फिनिशिंग वाला रोल था वो मैं अपनी डोमेस्टिक टीम के लिए हरियाणा के लिए करता था, बट IPL में पहली बार किया था तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी मुझे भी। पर हाँ वही है कि जैसे मैंने आपसे इतना एक्सपेक्ट कर लिया था कि जब मैं मैच में आउट हुआ, 2-3 मैच में आउट हुआ, तो फिर मैं खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा रहा था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही थी, तो मैंने उस टाइम पे यही सोचा था कि जो मैं अब तक करता हुआ आया हूँ, जो मेरा फ्री फ्लोइंग गेम है, मैं उसको बैक करूँ, और जो हो चुका है, जो पुराने मैचों में हो चुका है, उसको याद ना करूँ, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचूँ। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप IPL में अच्छा करते हो, प्लस आपका डोमेस्टिक सीजन्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप डोमेस्टिक सीज़न में कैसा कर रहे हो, वहाँ कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ एक IPL सीज़न वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप करते हो तो सबको दिखता है, बट जो आप डोमेस्टिक सीज़न में करते हो वो भी दिखता है, वो भी हेल्प करता है, डोमेस्टिक सीज़न बहुत मैटर करता है। पहले बॉलर ही खेलता हूँ मैं, बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं बैटिंग पे वर्क करता हूँ, तो बैटिंग मैं कभी भी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वो मेरा प्लस पॉइंट है, उसकी वजह से ही मैं शायद किसी भी टीम में एज ऑलराउंडर खेलता हूँ, तो वो बैटिंग को मैं कभी भी नहीं छोड़ता और कभी भी हल्के में नहीं लेता, और मेनली मैं एज अ लेग स्पिनर ही हूँ, मैं एज अ लेग स्पिनर ही टीम में खेलता हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी मेरा फोकस रणजी ट्रॉफी पे है कि रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट कैसा जाएगा, उसके बाद फिर जो मैं रेड बॉल के साथ साथ वाइट बॉल से भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं वाइट बॉल से भी बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, रेड बॉल से भी बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलिंग कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ पे मेरा फोकस है। फिलहाल अभी रणजी ट्रॉफी आ रही है तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस है मेरा। मेरा 2-3 साल से वही फिनिशिंग वाला रोल बन गया है कि एज अ फिनिशर खेल रहा है कि लास्ट में मैच जिताने वाला, और मतलब मैं कई मैचेस 2020 में ऐसा भी मैच हुआ था कि हमारे 5-6 जल्दी आउट हो गए थे, फिर 10-12 ओवर में फिर मैंने वो जो सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मैच जिताया था, तो
तो मैं ये फील करता हूँ कि जो भी सिचुएशन होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ता है, बट हाँ आईपीएल में ज़्यादातर बैटिंग आती है, लास्ट चार पाँच छः ओवर में बैटिंग आती है, तो वो डेथ ओवर्स में जो फिनिशिंग का रोल है, अभी तो आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में तो लास्ट दो साल से वही मिल रहा था, और मैं खेलता एज अ बॉलर ही हूँ,